दोस्तों नागपुर टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, कंगारुओं का स्टार गेंदबाज हुआ बाहर। इससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि टेस्ट में सबसे अच्छा कप्तान कौन है, विराट कोहली या रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस वक्त भारत के दौरे पर है। यह कंगारुओं को 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 9 फरवरी से नागपुर में खेला जाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड नागपुर में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। पिछले महीने सिडनी टेस्ट में गेंदबाजी करने के बाद बाएं पैर में एक्लिस की चोट से उभरने के बाद जॉस हेजलवुड को टेस्ट सीरीज के पहले हफ्ते से बाहर होने की संभावना है। अल्लूर में ऑस्ट्रेलिया के प्री सीरीज कैंप में भी हिस्सा नहीं लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉस हेजलवुड 7 फरवरी को नागपुर में गेंदबाजी का अभ्यास करेंगे। हालांकि ये निश्चित है कि वह पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में उनकी जगह स्कॉट बोलेंड में अंतिम 11 में जगह मिल सकती है। दिल्ली में 17 फरवरी से खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए भी उनका खेलना मुश्किल है। भारत के खिलाफ एम सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा बड़ा झटका है। दरअसल चोटिल होने की वजह से मिचेल स्टार्क भी नागपुर में खेले जाने वाले पहले टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जॉस हेजलवुड ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के अंतिम सत्र से पहले कहा, इसमें खेलने को लेकर अभी श्योर नहीं हूँ, यह अभी भी कुछ दिन दूर है। मंगलवार को मैं गेंदबाजी का अभ्यास करूंगा। इस समय वर्कलोड मैनेजमेंट थोड़ा सा है। मैं घर के दौरे से पहले काफ़ी अच्छा गेंदबाजी कर रहा था। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच कौन जीतेगा, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया।